मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर। सूत्रों के हवाले से एक खबर ये सामने आई है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर होंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। तो सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर और इस दौरान जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात संभव है, ये माना जा रहा है। महत्वपूर्ण ये दौरा के सूत्रों के हवाले से खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये दिल्ली दौरा कितना खास रहेगा? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की, निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते और कहीं ना कहीं उसके बाद राज्यसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का पहला दौरा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और निर्दलीय की जो जीत हुई है उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को बधाई यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा होंगी। जो महत्वपूर्ण विषय है जिन पर चर्चा होनी है, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा एक और बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय जो सबसे पहले खबरें अभी तक ब्रेक कर रहा है, कुलदीप बिश्नोई के विषय को लेकर भी जेपी नड्डा से बातचीत हो सकती है। हमारे पुख्ता सूत्रों के हवाले से हमें बताया गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई के विषय को लेकर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से बगावत की, कांग्रेस की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को पदों से हटा लिया गया, अब उसके बाद कुलदीप बिश्नोई अपना आगामी क्या सियासी भविष्य रहेगा इसको लेकर लगातार कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। संभावना है बीजेपी के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुलदीप बिश्नोई को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत कर सकते हैं। हमें बिल्कुल बड़े सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी खबर दी गई है। जी, तो कुलदीप बिश्नोई को लेकर चर्चा संभव है, लेकिन अनिल अभी तो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ऐसा कुछ स्पष्ट भी नहीं किया गया कि वो पार्टी में जा रहे हैं, हालांकि इनकार भी नहीं किया गया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखाया नहीं है, केवल पदों से हटाया है। देखिए, बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई तो सबसे पहले इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से उनको पार्टी से निकाल दिया जाए। अगर कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निकालती है तो जो कुलदीप बिश्नोई की जो विधानसभा सदस्यता है वो बरकरार रहेगी। कुलदीप बिश्नोई इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, और क्योंकि जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस में दरकिनार कर दिया है, पदों से हटा दिया है, अब कुलदीप बिश्नोई अपनी पारी बीजेपी के साथ विचार कर रहे हैं। हालांकि फाइनल बात नहीं हुई है, बीजेपी से उनकी चर्चा चल रही है, बीजेपी के जो बड़े नेता है उनसे भी आने वाले दिनों में कुलदीप बिश्नोई मुलाकात कर सकते हैं, जल्दी ही कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात हो सकती है, ये भी हम सबसे पहले बता रहे हैं। मुलाकात के बाद फिर तय होगा कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से किस तरीके से जुड़ेंगे। अगर उनकी विधानसभा सदस्यता बरकरार रहती है, कांग्रेस को निकाल दिया जाता है, तो शायद वो टेक्निकल पहलू पर विचार करके शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। अगर विधानसभा सदस्यता पर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं तब वो बीजेपी के बाहरी तौर पर जुड़ सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि कुलदीप बिश्नोई अपनी जो राजनीति है बीजेपी के साथ जुड़ने पर विचार कर रहे हैं। बीजेपी के साथ किस तरीके से जुड़ेंगे वो स्पष्ट होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है, उसमें भी काफी बातें स्पष्ट हो जाएगी। कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, उन मुलाकात के बाद जो सारी चीजें हैं वो स्पष्ट होगी। जी, तो मुलाकातों का भी इंतजार है, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता इशारा दे चुके हैं, दावत दे चुके हैं एक तरह से कि कुलदीप बिश्नोई आए और शामिल हो जाएं बीजेपी में, लेकिन इस बीच अभी भी पेच कहां फंसता नजर आता है? क्या कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को लेकर किसी बड़े फैसले का फिलहाल इंतजार हो रहा है? देखिए, कुलदीप बिश्नोई को लेकर तो फैसला होना है, बीजेपी मान की तरफ से फैसला लिया जाना है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का अपना बड़ा कद है, बड़े नेता है कुलदीप बिश्नोई, तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को लेकर फैसला नहीं होना। मुख्यमंत्री की जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, उसमें 100% इस मुद्दे पर चर्चा होगी। कुलदीप बिश्नोई का जल्दी ही दिल्ली का दौरा होगा। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई हिसार में मौजूद है, दिल्ली दौरे पर वो रहेंगे। दिल्ली दौरे पर कुलदीप ने भी बड़े नेताओं से मुलाकात करनी है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो है फैसला जो बीजेपी आलाकमान करेगा उस हिसाब से होगा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के लिए सभी रास्ते खुले हैं। जैसे वो एक तरीके से पदों से बाहर किए जा चुके पार्टी से बाहर निकालने का फैसला कांग्रेस आलाकमान कब करेगा वो देखने वाली बात है। कुलदीप बिश्नोई इंतजार कर रहे हैं कि पहले पार्टी फैसला करे कि उसको तो बाहर निकाला जाएगा, फिर उसके बाद कुलदीप बिश्नोई फैसला करेगा, लेकिन इतना जरूर क्या है कि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से देर सवेरे कभी भी ये फैसला ले लिया जाएगा।
बिल्कुल लगभग तय ये माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो रखे हैं, लेकिन पहले इसी बात का इंतजार बाकी है अनिल कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई फैसला सामने आए कुलदीप बिश्नोई को लेकर, क्या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है या फिर कुछ और विकल्प भी है कांग्रेस के पास? देखिए कुलदीप बिश्नोई का मैं वही आपको बता रहा हूँ, कुलदीप बिश्नोई फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस उनको बाहर निकाले, अगर बाहर निकालती है उनकी विधायकी सुरक्षित रहेगी, फिर उसके बाद कुलदीप फैसला करेंगे, लेकिन शायद कांग्रेस अभी इस फैसले को डिले कर दे, तब कुलदीप बिश्नोई को देखना है कि पार्टी छोड़नी है उपचुनाव में जाना है या कांग्रेस को इस कदर मजबूर करना है कि वो उनको बाहर निकाल दे। इसी बीच कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुलाकात के बाद फिर पूर्ण तौर पर स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी से किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जुड़ेंगे। क्योंकि मैं आपको दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि बीजेपी से किस तरीके से जुड़ेंगे, ये इन मुलाकातों के बाद क्या होगा, मुलाकातें जल्दी होगी, उन मुलाकातों में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी चीजें कि कुलदीप बिश्नोई को किस तरीके से बीजेपी के साथ लेना है, बीजेपी में शामिल करवाया जाना है या बाहर से जोड़ना है, वो तमाम बातें बैठकर होगी, चर्चा होगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई दोनों ही पहलों पर बात कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई एक पहलू ये देख रहे हैं कि उनकी जो विधायकी है वो सुरक्षित रहे, दूसरा बीजेपी से वो किस तरीके से जुड़े ताकि उनकी जो विधानसभा सदस्यता है वो भी बरकरार रहे, जो तमाम चीजें हैं, तमाम पहलू है जो आने वाले समय में कुलदीप बिश्नोई की महत्वपूर्ण बातचीत होगी, महत्वपूर्ण बीजेपी आलाकमान से उनकी चर्चा होगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई एक तरीके से इशारा कर चुके हैं कि वो अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऑप्शन उनके पास ज्यादा नहीं है, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कांग्रेस से उनकी विदाई हो चुकी है, बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर दिया गया था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई साफ कह चुके हैं कि वो छोटी मोटी पार्टियों से नहीं जुड़ेंगे, उनमें शामिल नहीं होंगे, यानी जेजेपी भी नहीं है, इनेलो से उनकी इतनी कभी बनी नहीं है इनेलो से, तो एक ही ऑप्शन उनके पास है कि वो है बीजेपी, क्योंकि अपना खुद का दल वो हरियाणा जनहित कांग्रेस पहले ही बना चुके थे, फिर उसका विलय कर दिया गया, तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के पास ऑप्शन बीजेपी ही बचती है, बीजेपी के साथ कब जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, इन तमाम विषयों पर वो चर्चा करेंगे, आलाकमान से भी मुलाकात करने की बातचीत लगभग तय हो चुकी है। जी तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी दर्शकों तक आपने पहुंचाई। सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर, जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं और महत्वपूर्ण चर्चा का विषय कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी रहेगा। कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दिया था और आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस की तरफ से तमाम पदों से हटा दिया गया, लेकिन फिलहाल कांग्रेस से बाहर नहीं निकाला गया है। अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई के पास विकल्प क्या है, विकल्प ये भी है कि कुलदीप बिश्नोई अपनी विधायकी बचाए रखें और ऐसे में जरूरी ये है कि कांग्रेस की तरफ से ही कुलदीप बिश्नोई को बाहर निकाला जाए, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई निर्णय लिया नहीं गया। हाल फिलहाल में राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ का ये मामला सामने है और आलाकमान से लेकर तमाम बड़े नेता इसी में व्यस्त हैं, प्रदर्शन हो रखे हैं। इसी बीच कुलदीप बिश्नोई भी अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रखे हैं, बातचीत कर रखे हैं। माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन शामिल होने का तरीका क्या होगा, इसी पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। इसी को लेकर फिलहाल चर्चा जारी है और माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द इसको लेकर कोई बड़ा फैसला कुलदीप बिश्नोई की तरफ से सामने आ सकता है, तो वहीं बीजेपी भी इसको लेकर मंथन कर रही है।